ये तो सर्विसिंग होके रेडी हो चुकी है इस, और यहाँ से एयर का इसका मिक्सर यहाँ से जाता है अंदर, इसके अंदर अंदर कंबशन होती है। सिर्फ का नाम ले रहा हूँ तो सबसे एक्सपेंसिव तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, निंजा की H2 यहाँ पे खड़ी हुई। कूलेंट रहने के बाद भी बहुत ही ओवरहीट होता है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स मैं उनसे पूछूंगा। रोजमर्रा के जिंदगी में जो नॉर्मल सुपर बाइक में प्रॉब्लम है तो वो आपको क्या देखने मिलता है? आप तो बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वही इंजन में वही इंजन वाइल डालता हूँ। भाई लेके पछता गया हूँ मैं, क्यों लिया ये बाइक, वो वाला बाइक के बारे में। 5 लाख 8 लाख का अंदर होता है, लेकिन ये क्या 3 लाख में मिल जाता है, तो परेशानी भी उतना ही देता है। मजा सुपर बाइक का मिल जाता है लेकिन परेशानी भी बहुत है। कंपनी वर्क नहीं कर रहा उसको, कंपनी तो यहाँ से चला ही है, अभी नहीं है, अनसक्सेस बोला जाए तो अभी। बहुत सारा बाइक में क्विक शिफ्टर पहले से ही आता है, बहुत सारे में नहीं आता, तो बाद में क्या इंस्टॉल कर 1000 cc ले लेते हैं। उसका सर्विसिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा आपके पास? सारी सुपर बाइक्स की सर्विसिंग इधर पे ही होती है, इसलिए आया हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए। हायाबुसा भी यहाँ पे है, आपके पब्लिक एग्जॉस्ट के साथ है यहाँ पे, वो भी सर्विसिंग के लिए आई हुई है। चेन क्लीन किया जा रहा है, खोला जा रहा है, खोल के चेक किया जाता है कि उसमें टॉपअप की ज़रूरत है कि नहीं, या फिर कूलेंट में पूरा एकदम लिक्विड भरा हुआ है कि नहीं, है ना। और सबसे बीस्ट बाइक जो है हमारी H2, ये तो सर्विसिंग होके रेडी हो चुकी है, इसको वॉश वॉश भी हो गया, पूरा क्लीन अप हो गया, और एकदम चुम्मा लग रही है देखने में। जैसे कि ये H2 का वीडियो मैं डाल भी चुका हूँ, सेल के लिए आई हुई है जॉयज़दा के शॉप में, तो वो भी वीडियो आप लोग जाके इसके बाद एंड स्क्रीन में मैं दे दूँगा, लास्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। प्राइसिंग फुल डिटेलिंग वीडियो है इसका। पेनली की 600 आई है जो कि पूरी तरह से खुली हुई है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, शायद ही आपने हमने कभी ऐसे सुपर बाइक का ऐसे इंजन दिखा हुआ खुला हुआ। मैं सोचा कि कुछ अलग आप लोग के लिए लाया जाए, जो लोग मेरे व्यूअर्स लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल के फैमिली मेम्बर्स लोग हैं, उन लोग के लिए। जैसे कि 4 सिलेंडर इंजन होता है, देख सकते हैं आप, तो ये एक्सलेशन मैं थोड़ा एक्सलेट करता हूँ, देखिए एक्सलेशन करूँगा जब तो क्या होगा, ये पैनल खुल जाएगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से यहाँ पे एयर फिल्टर रहता है इसका, तो यहाँ से एयर चैम्बर, यहाँ से एयर सक करता है, और अंदर सिलेंडर्स हैं, वहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्शन से फ्यूल जाता है, और यहाँ से एयर का इसका मिक्सर यहाँ से जाता है अंदर, इसके अंदर अंदर कंबशन होती है और पावर प्रोड्यूस होता है, ये तो सबको पता ही होगा आप लोग को। तो ये है आदेश भैया का सर्विस सेंटर। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल लाइफ मोटो वर्ल्ड पे। तो आज आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं कोई शोरूम में नहीं हूँ, तो मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि सुपर बाइक खरीदने के बाद उसकी सर्विसिंग, मेंटेनेंस, क्या क्या प्रॉब्लम, बहुत कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं। तो आदेश भैया का मोटर बाइक का सर्विस सेंटर है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ, जो बहुत जन बोले थे बहुत दामी सुपर बाइक्स भी यहाँ पे सर्विसिंग होने के लिए आती है, एक्सपेंसिव सुपर बाइक सब यहाँ पे आती है, और एक्सपेंसिव का नाम ले रहा हूँ तो सबसे एक्सपेंसिव तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, निंजा की H2 यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इससे एक्सपेंसिव बाइक तो मुझे फ़िलहाल अभी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखने नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आज हम यहाँ पे आए हैं, बात करेंगे शॉप के ओनर आदेश भैया से। तो टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है कि सुपर बाइक्स की सर्विसिंग कैसे होती है, कॉमन प्रॉब्लम जो कि सुपर बाइक्स में आती है, और क्योंकि ओवरहीटिंग तो एक मेजर इशू रहता है सुपर बाइक्स का, क्योंकि कोलकाता जैसे सिटी या फिर कोई भी इंडिया का सिटी बहुत ही खुला नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हर्ष ट्रैफिक रहती है वहाँ पे, तो क्लच ब्रेक की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है उसका इंजन, क्योंकि 4 सिलेंडर का इंजन रहता है, तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ओवरहीट करता है।
कूलेंट रहने के बाद भी बहुत ओवरहीट होता है, तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स मैं उनसे पूछूंगा। कॉमन कंपनी का ब्रांड का बाइक जिसमें प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, कौन सा ऐसा सुपर बाइक है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही कम मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसा तो मेंटेनेंस बाइक को बहुत ज़्यादा लगता है फिर भी होता है एक बाइक, तो उसमें कम मेंटेनेंस क्या कौन सा बाइक में है वो भी आज बात करेंगे उनसे। क्विक शिफ्टर जो होता है, हम लोग को पता है सब लोग को कि क्विक शिफ्टर जो होता है सुपर बाइक में कि कोई भी गियर्स में आप लोग बाइक को गियर को चेंज कर दिए तो अप डाउन उठ सकता है बिना क्लच चापे हुए, तो क्विक शिफ्टर के बारे में भी थोड़ा डिटेलिंग लेंगे आज भैया से कि वो बाद में आफ्टर मार्केटिंग कोई भी बाइक में लगाया सुपर बाइक में लगाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि या फिर प्री इंस्टॉल्ड ही आता है, तो ये सब थोड़े क्वेश्चन क्वारीज है जो मैं आज भैया से बात करने वाला हूँ। सर्विस सेंटर से ही हम लोग क्यों नहीं सर्विसिंग कराए, ऑथराइज जो सर्विस सेंटर है कावासाकी की, BMW की, सुजुकी की, तो वहाँ से हम लोग सर्विसिंग क्यों ना कराए, आपके पास से सर्विसिंग क्यों कराए, वहाँ से सर्विसिंग करा के क्या फ़ायदा है, आपके पास से करा के क्या फ़ायदा है, फ़ायदा नुकसान सब जानेंगे इस वीडियो में। 8 में जो हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे रुके हुए हैं वो है कि कॉस्ट क्या आता है सुपर बाइक को सर्विसिंग करने का। तो वीडियो को पूरा 8 तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फाइनली जो हमारे शॉप के ओनर है गैराज के आदेश भैया वो हम लोग के पास आ चुके हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं वो, मैं कम से कम 2 से 3 घंटा वेट किया हूँ उनको पाने के लिए, इतना बाइक से आते हैं सुपर बाइक वो मतलब काम करते करते थक जाते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए तो बहुत बहुत आपका वेलकम है हमारे चैनल पर आदेश भैया। और टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट आदेश भैया से पूछते हैं कि भैया सुपर बाइक है सर्विसिंग क्या प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसेस है सर्विसिंग का? एक्चुअली सर्विस क्या होता है, हर 5000 किलोमीटर में बाइक का सर्विस होना चाहिए सुपर बाइक का। सर्विस में हम लोग का नॉर्मल जैसे सामने का व्हील, पीछे का व्हील ग्रीस होता है, चेन स्प्रे होता है, चेन वॉशिंग होता है, एयर फिल्टर होता है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन होता है, हर 5000 में ये सर्विस में काम है। ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब। और इंस्पेक्शन क्या क्या करते हैं, मतलब देखते क्या क्या है? एक्चुअली सर्विस में मैं थ्रॉटल गाड़ी देख लेता हूँ, जिस तरह से हम लोग का वायरिंग का कोई इशू है कि नहीं, पंप का प्रेशर कैसा है, मतलब हम लोग का जैसे मोबिल कैसा है, एयर फिल्टर कैसा है, ये सब सर्विस में ही आता है। और जो 5000 किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है, जैसे मोबिल करना ही पड़ेगा, एयर फिल्टर मोटा मोटी चेंज कर देते हैं हम लोग 5000 में कर देता हूँ, उसका कंडीशन का ऊपर कैसा है, चेन स्प्रे होता है, मोबिल चेंज होता है, ये सब नॉर्मल सर्विस में नॉर्मल काम होता ही रहता है। हाँ, तो ये प्रोसेस था सर्विसिंग का। और दूसरा जो है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं सुपर बाइक, जैसे रोजमर्रा के ज़िंदगी में जो नॉर्मल सुपर बाइक में प्रॉब्लम है तो वो आपको क्या देखने मिलता है? आप तो बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो एक्चुअली सुपर बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होता ही नहीं है, नॉर्मल इशू कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, बेसिक जैसे उसका ज़्यादा चल गया तो डिस्पैट, वो भी क्या 5000 में आप चेंज कराओ। सुपर बाइक नॉर्मल बाइक में बहुत डिफरेंस है, ये हमेशा बेसिक कोई प्रॉब्लम आपको देगा नहीं, वो सर्विस का टाइम में जैसे क्लच का तार थोड़ा ढीला हो गया, चेन थोड़ा ढीला हो गया, ये नॉर्मल है और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होता है। जो इंजन ऑयल आप यूज़ करते हैं सर्विसिंग के दौरान वो कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा होता है? एक्चुअली क्या है ना, जैसे कंपनी का फायर ब्लेड में रेपसॉल का देता है, डेटोना में कंपनी से कैस्ट्रॉल का देता है, सुजुकी मुतुल का देता है, कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वही इंजन में वही इंजन ऑयल डालता हूँ। तो मतलब हर बाइक पे डिपेंड करता है कौन कौन सा एग्जैक्ट उन बाइक में क्या ग्रेट लगेगा, उन कंपनी का वो कंपनी का डाल रहा है उसी पर फोकस करके मैं भी वही डालता हूँ, मुतुल है, कैस्ट्रॉल का। अच्छा, और बाइक जैसे सुपर बाइक है, हम लोग सिटी में यूज़ करते हैं सुपर बाइक को, बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटिंग होता है, तो ओवर हीटिंग से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? ओवर हीटिंग का कोई एक्चुअली क्या है ना, ओवर हीट होने से हम लोग का फैन जो है उसका रिले ख़राब हो जाता है, ओवरहीट होने से कूलेंट फेंकने लगता है, कूलेंट लीक हो जाता है, कूलेंट का परिमाण कम जाता है, लेकिन चलाने के ऊपर एक्चुअली हीट कब होता है, आप अगर लोकल सिटी में चलाओगे तो ही हीट होगा, एक्चुअली नेचर नहीं है इसका कीजिए, आप फांका रोड में भी चलाओगे तो हीट होगा, लोकल में चलाओगे तो हीट होगा, वो भी कोई माने नहीं है, उस बेसिक से चलाओगे तो ओवरहीट का पंगा आता ही नहीं है इसमें। तो ओवरहीटिंग का इशू रहता है बाइक सुपर बाइक में, लेकिन उतना भी कुछ खराब नहीं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। वो होने से क्या होता है, कूलेंट आप गिर जाएगा तो कूलेंट डाल दो आप, या फैन का प्रेशर कम गया तो ओवरहीटिंग होगा, तो इसीलिए। और जैसे कि आप बहुत सारे बाइक के साथ रेगुलरली रोज रील करते हैं, तो ऐसा एक कंपनी का बाइक मुझे बताइए जो कि बहुत माइनर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत लो मेंटेनेंस कॉस्ट है,
बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है, भूसा जो है ना एकदम लो मेंटेन गाड़ी, हायाभूसा। अच्छा, हायाभूसा में उतना कॉस्टली मेंटेनेंस नहीं है, जैसे दूसरा गाड़ी का कावासाकी हो गया, तो उस हिसाब से मैंने सुपर बाइक में हायाभूसा में मेंटेनेंस बोलने से है ही नहीं। अच्छा। सर्विस में जो आता है ये नॉर्मल खर्चा है, मोबिल कूलिंग, लेकिन सबसे मिनिमम कॉस्ट खर्चा होता है हायाभूसा, बहुत कम। और इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। तो सुजुकी का हायाभूसा जो असली में सुपर बाइक हम लोग जानते हैं एकदम पहले से, तो उसी में ये होता है। हाँ हाँ। और उसके बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये आप बताएं जो बस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, माइनर प्रॉब्लम होता है, और बहुत मेजर प्रॉब्लम वाला बाइक बताइए जो रोज भाई लेके पछता गया हो, मैं क्यों लिया ये बाइक, वो वाला बाइक के बारे में आप बताइए। बेनेली में एक्चुअली क्या है ना, वो सुपर बाइक जैसा सिस्टम बनाया, लेकिन इसका हर कोई पार्ट्स हैवी ड्यूटी नहीं है। वो क्या है, आज मैंने लगाया 6 महीना बाद ये सेंसर उड़ गया, कभी कूलेंट सेंसर उड़ गया, हेडिंग का ज़्यादा उसमें इशू होता है। कंपनी वर्क नहीं कर रहा उसको, कंपनी तो यहाँ से चला ही गया, अभी नहीं है, अनसक्सेस बोला जाए तो अभी मैंने 600 स्टेटमेंट में बेनेली। बहुत सारे व्यूअर्स लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि बेनेली 600 आई दिखाओ। आप देखिए, खरीदने को आप खरीद लीजिएगा, लेकिन देखिए आफ्टर सर्विस जो आप देख सकते हैं, तो भैया तो झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच बात है वो बता रहे हैं, बहुत ही वर्स्ट सर्विस है बेनेली का। उसका पार्ट्स भी नहीं मिलता है, पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। और हालांकि लो मेंटेनेंस, मतलब उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता खरीदने में, एक सुपर बाइक को खरीदने में मिनिमम 5-6 लाख रुपया पड़ेगा। आप 800 कावासाकी का लो या 900 लो, 5-8 लाख का अंदर होता है, लेकिन ये क्या है 3 लाख में मिल जाता है, तो परेशानी भी उतना ही देता है। मज़ा सुपर बाइक का मिल जाता है, लेकिन परेशानी भी बहुत उतना ही मिलता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है। इसीलिए अच्छा चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छा भैया, और एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे, क्विक शिफ्टर। हाँ, क्विक शिफ्टर क्या होता है वो थोड़ा बताइए मुझे। क्विक शिफ्टर हुआ, आप 40-50 स्पीड में आपको क्लच का यूज़ नहीं करना होगा, आप बिना क्लच ये गियर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं आएगा, इंजन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और स्मूथली होता है। आपको चलाने में फर्स्ट आपको इतना इनिशियल चाहिए, तो आपको क्लच चापने में जितना टाइम लगेगा, आप बिना क्लच चापे क्विकली लीजिए, बस उसी हिसाब से। तो जैसे कि बहुत सारा बाइक में क्विक शिफ्टर पहले से ही आता है, बहुत सारे में नहीं आता, तो बाद में क्या इंस्टॉल कर सकते हो? हाँ। तो इजली इंस्टॉलेशन इजली नहीं, जिस गाड़ी में कंपनी फिटेड नहीं होता, वो लोग का तो बाहर में मैं करता ही हूँ। तो आप इतना सारा बाइक को उठा डील कर रहे हैं रोज का रोज, बहुत सारे सुपर बाइक्स आ रही है, तो सर्विसिंग आप सारे बाइक से लगभग करते हैं, सारी जितनी सारी बाइक है सब बाइक, नॉर्मल से लेके सुपर बाइक में स्पेशलाइज है ये, इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। बहुत जन से नाम सुना है इनका तो, और जॉयस बाइक पॉइंट जहाँ पे मैं सुपर बाइक का ब्लॉगिंग करता हूँ, वहाँ से भी रिकमेंड किया गया था कि यहाँ पे सबसे अच्छा होता है, तो इसलिए मैं आप लोग के लिए बेस्ट लाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो बात ये है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपके बहुत सारा ऑथराइज सर्विस सेंटर है, आप कावासाकी का ले लो, सुजुकी का ले लो, सब का है ऑथराइज सर्विस सेंटर, तो आपके पास से कराने का क्या बेनिफिट है, आपके पास से क्यों कर रहा हूँ? एक्चुअली क्या है ना, कंपनी में अगर यही सर्विस मेरा पास कर लीजिए 7,000-8,000 में होता है, जो कंपनी वाला कर रहा है जी, उससे ज़्यादा फोकस करता हूँ हम लोग। हाँ। लेकिन क्या है, यही काम अगर वहाँ हो जाए तो 15-20 हज़ार का हो जाता है। कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई है। एक दिन अगर वेट हो गया, गाड़ी का पार्किंग चार्ज हो गया, GST लेता है, GST हालांकि सामान का तो पड़ेगा ही, अपना लेबर चार्ज का ऊपर में भी ये लोग टैक्स लेता है, तो क्या है ना, आदमी को बजट थोड़ा ज़्यादा लगता है, काम सेम मिलता है लेकिन बजट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कस्टमर जब वेरीफाई करते हैं तो फिर यहाँ आते हैं, और यहाँ उसको सर्विस अच्छा मिलता है तो फिर इधर ही करवाते हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ पीछे BMW की S1000 आ रहा है, यहाँ पे निंजा की H2 है, तो बहुत सारी ऐसे सारी बाइक्स में मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होता आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। एक्चुअली हम ये आज का जितना बाइक है, हर बाइक का मोटा मोटी आप प्रैक्टिकल जितना जानते हो उतना थ्योरिकल नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप टेक्नीशियन हुआ जी। नहीं तो मिस्त्री बन के रह गया। है कि नहीं? एकदम प्रैक्टिकल, ये सब गाड़ी में जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका उतना थ्योरिकल होना चाहिए। एकदम हम लोग का जैसे नहीं, हम लोग जानते हैं ये BMW है, बस ये बाहर से देख लिए, लेकिन अंदर क्या लगा हुआ है, 4 सिलेंडर इंजन है जानते हैं, लेकिन क्या है नहीं है इसमें प्रैक्टिकल जानने से इसका काम आप कर लोगे, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए थ्योरिकल नॉलेज पूरा पूरी होना चाहिए, तो जाके आप एक कंप्लीट टेक्नीशियन बनवा जाओ।
और इसके लिए मैंने ट्रेनिंग करके आया था, बाहर में गया था, दिल्ली इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा ट्रेनिंग था, मैं वहाँ ट्रेनिंग करके आया, फिर मैं काम कर। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उतना थ्योरिकल भी होना चाहिए ये सब बाइक के लिए, तो क्योंकि खोल देना, इसमें हाथ लगाना बहुत ही बड़ा बात है, नॉर्मल बाइक जैसा तो ये नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, देखने में आप दोनों बाइक लगता है, लेकिन ये बहुत अपग्रेड बाइक है। और ऐसे कभी इसका पिस्टन टूट जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, होता है। मतलब तो वो क्या है ना, वो राइडर का ऊपर होता है, आप खरे ज़्यादा रेप कर रहे हो, क्लच चाप के ज़्यादा थ्रॉटल घुमा रहे हो, तो उससे क्या होगा ना, क्लच प्लेट जल जाता है, ओवर हीट होता है, इतना ज़्यादा हीटिंग होगा, पिस्टन टूट जाता है। जी, और जैसे कि रिव्यूअर्स लोग जानना चाहते हैं कि नॉर्मल एक सुपर बाइक का, ठीक है, 1000 cc ले लेते हैं, तो सर्विसिंग कॉस्ट कितना पड़ेगा आपके पास? एक नॉर्मल सर्विसिंग में मोटा मोटी आप डाल लीजिए 7 से 8 हज़ार रुपया पड़ता है। 7 से 8 हज़ार रुपया आपके पास एकदम पड़ जाएगा। और मान लीजिए कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम है, कुछ पार्ट खराब है, टूट गया है, या फिर वो कुछ प्रॉब्लम हो गया, डिफेक्ट, तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा वो? हाँ हाँ, अगर नहीं होता तो मेरे को 2 से 3 दिन के अंदर में मंगवा देते हैं। एकदम ओरिजिनल जेन्युइन, एकदम ओरिजिनल। आप कंपनी में भी जाओ सर्विस में देने के लिए, तो हाथों हाथ वो लोग भी नहीं लगाएगा, वो लोग भी 3 दिन का टाइम लेगा, वो लोग भी स्टॉक नहीं रखता है, क्योंकि इसका पार्ट्स जो होता है ना काफ़ी कॉस्टली होता है, वो लोग अवेलेबल जब तक नहीं उनको मतलब ज़रूरत पड़ता तब तक वो लोग ऑर्डर नहीं देता। नॉर्मल जैसे क्लच का तार हो गया, ब्रेक्स हो गए, वो सब मेरा पास अवेलेबल रहता है। तो ऊपर बाइक्स को छोड़ के आप सारे बाइक्स में भी ऐसे डील करते हैं? सारे बाइक। तो भैया का आप लोग बात किए, और कुछ क्वायरीज है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं भैया से पूछ के आपको बताऊंगा। जैसे कि भैया ने बताया मुझे कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, हम लोग को तो थियोरिटिकली नॉलेज है, ये बाइक है निंजा S2, अच्छा ये कार्बन फाइबर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यही आपको बता सकते हैं, अंदर में क्या लगा हुआ है, क्या है नहीं है, वो भैया ही आपको अच्छा बता सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लाया था। भैया का शॉप तो हावड़ा में है, तो मैं एड्रेस और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा, इवन कि जो आप लोग यूट्यूबर को जानते हैं बाइकर बॉय जाहिर भी यहाँ पे ही आके काम करवाते हैं आपके पास, है ना? हाँ हाँ हाँ, जाहिर आता है, जाहिर भी आते हैं, तो सारे बाइक के यहाँ पे काम हो जाएंगे जो लोग नियर बाई है। और सुपर बाइक से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप चाहे तो भैया को फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप भैया के शॉप में आइए, बेशक आपको एकदम उसका सुझाव मिलेगा। तो थैंक यू भैया सो मच, और आपको इतना मुझे साथ बैठ के बात करने के लिए। तो मैं चाहता था अपने व्यूअर्स लोग के लिए कुछ यूनिक लेके आऊँ, क्योंकि बहुत बार सिर्फ सुपर बाइक से दिखाया जा रहा हूँ, सुपर बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है नहीं हो रहा है तो वो नहीं आ रहा है। तो भैया का शॉप का नाम है फ्रेश मोटर बाइक सर्विस सेंटर है, हावड़ा में, कहाँ पे है ये एड्रेस? है नवन्नो बस स्टैंड का बगल में ही है, यहाँ का एड्रेस है 8 नंबर सीतानाथ बैनर्जी लेन। तो एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, भैया से कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तभी तो देखिए बहुत ही दामी दामी बाइक पीछे खड़ी हुई है, इसीलिए तो यहाँ पे बाइक खड़ा हुआ है ना, मतलब कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो कोई बेनली भी नहीं देखे जाएगा, जैसा भैया बोल रहे हैं घटिया बाइक है अभी। ऐसे ही बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, भैया लोग को भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग जिन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम है सुपर बाइक्स में, कुछ भी इशू है, भैया सब डील करके देते हैं, सब कुछ ठीक करके देते हैं। तो ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ मोटो वर्ल्ड।